इधर जितने लोग भी आ रहे हैं, तमाम ज़िले जितने भी हैं, ज़िले हेडक्वार्टर इधर है, तमाम लोग इधर आते हैं और वो लोग इस कीचड़ में फंसे हुए हैं। गाड़ियों वाले भी परेशान हैं और मुसाफिर भी परेशान हैं, मगर इस अड्डे का वाली वारस कोई नहीं है कि कोई बंदा आकर इसको देखे। हमारे वज़ीर आज़म साहब को देखना चाहिए कि मेरी आवाम किस पोजीशन में जा रही है, कितना जुल्म है इस आवाम के साथ। जो आवाम दाएं बाएं से हर जगह से आती है, मुजफ्फराबाद अड्डे में आती है और आकर वो किसी जगह जाने के काबिल नहीं है, घंटा घंटा इधर फंसे होते हैं। किधर ट्रैफिक जाम है, ना राइट साइड निकल सकते हैं ना लेफ्ट साइड निकल सकते हैं। ये तो हमारे हुक्मरान जो हैं वो बहुत जुल्म कर रहे हैं हमारे। 4 साल गुजर गए हैं, ठीक है ना, हम लोग सब जो है ना वो देख रहे हैं। अब इसका ये नहीं पता चल रहा है, ये आप देख रहे हैं कि ये बसों का अड्डा है, ये रक्षों का अड्डा है, ये वैगनों का अड्डा है, या जो है ना ये ट्रकों का अड्डा है, इसमें कोई जगह भी जो है ना। और फिर आप इसकी जो है ना नीचे आप ज़मीन को देखें, जब बारिश होती है तो ये तालाब बन जाता है, सवारी यहाँ आती नहीं है। फिर गवर्नमेंट जो है ना उन्होंने जो है ना, ये सरकारी है, यहाँ हम लोग कम से कम नहीं तो साल का जो है ना 1 करोड़ रुपया देते हैं, हर गाड़ी वाला इसका 100 रुपया देता है, ठीक है। ये सरकारी अड्डा बल्दिया का अड्डा है और बल्दिया की जो बिल्डिंग है, ठीक है ना, इसमें 1 पैसा भी आज दिन तक इन्होंने बल्दिया वालों ने नहीं खर्चा है, ठीक है। जो आमदन आती है वो अपने मामला जो है ना वो कहीं और पैसे लग जाते हैं। तो हमने बहुत दफ़ा वज़ीर आज़म को मैं खुद मिला हूँ, पिछले अरसे में मिला हूँ, वो वादा मुईद करते हैं कि हाँ भाई करें, कोई इसकी एक्सटेंशन नहीं है। यहाँ जो है ना उन्होंने पहले कहा कि हम लोग जो है ना वो करेंगे नलुची में अड्डा बनाएंगे, लेकिन नलुची वाला अड्डा जो है ना वो भी आज दिन तक उसका पता ही नहीं है कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर आज जो है ना मुजफ्फराबाद में एक ये अड्डा है और एक दूसरा अड्डा वो उधर है, दोनों की एक ही हाल है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है ना अब बेबस हैं, सच्ची बात है कि बेबस है, ट्रांसपोर्टर बेबस है। अगर गवर्नमेंट इन दिनों में, अब 6 माह रह गए हैं गवर्नमेंट के, अगर इन दिनों में ये गवर्नमेंट इस अड्डे को नहीं बनाती तो फिर हम लोग गाड़ियाँ लेके रोड पर निकल आएंगे। गवर्नमेंट जो है ना इस तरफ तवज्जो दे और ना सिर्फ इसको जो है ना इसकी मरम्मती करे बल्कि इसको एक्सटेंड करे, क्योंकि इतना रश हो गया है कि यहाँ वैगनों का स्टैंड अलहदा करे, जीपों का अलहदा करे। और इनके पास जगह भी है, बेला नूर शाह नीचे जो है ना, ये नीचे नीलम पार्क वाली जगह है, 8 मकाम वाली गाड़ियाँ वहाँ जा सकती हैं, वैगने वहाँ जा सकती हैं, पिंडी वाली ये सारे सिलसिले। लेकिन जो है ना वो वहाँ पर कब्जा ग्रुप है, कब्जे किए हुए हैं लोगों ने, कुछ जो है ना हमारे किसी एक लीडर के जो है ना चमचे हैं, किसी दूसरे लीडर के कम चमचे हैं, वहाँ रोड बराबर वो गवर्नमेंट की ज़मीन गवर्नमेंट की है, इन्होंने जो है ना उसको क्या किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है और ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी को चेयरमैन बल्दिया प्रोटेक्ट कर रहा है, किसी को MDA वाला चेयरमैन प्रोटेक्ट कर रहा है, किसी को जायद अमीन साहब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सब जो है ना चोर बाजारी है। मैंने वज़ीर आज़म को खुद कहा, मैंने कहा आज आएँ आप हमारे साथ विज़िट करें, नीचे आएँ आप विज़िट करें और ये देखें कि जो जो ज़मीन आपकी सरकारी है उसी पे दीवार लगाएं और हम ट्रांसपोर्टर्स को देंगे लीज पे दे दें, हम खुद उनको स्टैंड बनाएंगे, या आप इस तरह करें कि जो टाइम वाली गाड़ियां ऊपर ले आएं, बाकी जो है ना गाड़ियां जो है खड़ी होने वाली वो नीचे खड़ी करें। लेकिन कोई बल्कि MDA और बल्दिया वाले जो है सरकारी मुलाजम है वो बेबस हैं, कहते हैं कि हम काम करना चाहते हैं, लेकिन ये जो ना यहाँ के जिम्मेदारान जो है ना उनकी पुश्तबनाई कर रहे हैं कि हमारा कारोबार डिस्टर्ब होगा।